मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित दिल्ली रोड मेरठ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैम, आप एक प्रत्याशी की धर्मपत्नी हैं, तो आपको किस तरह का सपोर्ट तब मिल रहा था और अब सपोर्ट में कोई बढ़ोतरी आई है या ऐसा आप कुछ? सपोर्ट में मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। सभी लोग सभी जाति के सब संप्रदाय के लोग हमारे साथ हैं। जहां हम जाते हैं वो कहते हैं हम फूल को ही वोट देंगे, हमसे हमारे पहुंचने से पहले ही वो ये कह रहे हैं, तो एक अंदर से अलग प्रसन्नता हमें लगता है कि हाँ, योगी मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, इसीलिए सभी लोग हमारे साथ हैं और वो हमें जिताएंगे और फिर से दोबारा से फूल को खिलाएंगे। कल जैसे कि राकेश टिकैत जी मेरठ आए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी को सजा दे, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, देखिए, सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है, कोई कहीं भी दे सकता है, लेकिन जो शिक्षित हैं और जिन्हें हमें और शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना है, वो हमारी सरकार को लाएंगे तो हम उस विषय में और कार्य करेंगे। ठीक है जी, भी जैसे भी लोग हैं, सब वो सभी तरीके के, लेकिन हमें उस बात पे नहीं जाना, हमें अपना आगे बढ़ाना है, हमें उस पीछे वाली चीज़ को नहीं देखना, हमें आगे बढ़ना है, फूल को खिलाना है और हर कीमत पे हम 10 तारीख को फूल को खिलाएंगे। 10 मार्च को आप हमारा रिजल्ट देख लीजिएगा कितनी वोटों से हम जीतेंगे। मेरा नाम रुचि शर्मा है जी। आपका कितना सपोर्ट है कमल जी को? मेरा बिल्कुल फुल सपोर्ट है। जैसा कि मैं कहना चाहूँगी कि कल भी बात हुई थी कि कोरोना में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उस विषय में एक बात कहना चाहूँगी कि कमल भैया को मैं वैसे भी जानती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, एक धरती से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई उनकी बात आती है कि जमीन से जुड़े हुए, मैं प्रूफ है मेरे पास कि कमल भैया ने खुद अपने हाथों से मास्क बनाए और वितरित किए हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। हम आप जैसे ही हैं और हम आप जैसों की प्रॉब्लम समझते हैं, सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं फुल बिल्कुल सपोर्ट में हूँ उनके जी। आपका नाम? डॉक्टर पायल अग्रवाल जी। तो पायल जी, आपको लग रहा है जैसे चुनाव पास आ गया है, तो आपको दिख रहा है कि कमल जी जीतने वाले हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मतलब शुरू की जो हम प्रचार में निकले थे और अब हम प्रचार में निकले हैं, तो कहते हैं जैसे जैसे हमारा कारवा बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं के तरफ से कुछ कहना चाहेंगी? मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो नारी सशक्तिकरण विषय पे बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है और माताओं बहनों को, सबसे मैंने कहा जहाँ महिला आत्मसम्मान की बात हो, शौचालय हो चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड हो, ये सारी महिलाओं के सपोर्ट में सारे अपने कार्य किए गए हैं। इसके कारण मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी की सरकार पुनः बनेगी और हमारे शहर विधानसभा से भी कमलदत्त भी रही रहेंगे। मेरा नाम मीनाक्षी कौशल जी। मीनाक्षी जी, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव जैसे आ गया है समीप, आपने पूरा प्रचार कर लिया है, तो जीत होने वाली है या नहीं होने वाली जीत? मुझे तो 100% लगता है कि जीत होने वाली है और पहले दिन से और आज तक में हम लोगों को बहुत बदलाव लगा है। पहले तो थोड़ा लोग रिलक्टेंट थे, लेकिन हम लोगों की बात से, हम लोगों ने मोदी जी और योगी जी के बारे में उनको विस्तार से बताया, अपने उनकी योजनाओं को बताया, उनकी आगामी योजनाओं को बताया और साथ में बताया उनको कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा। मोदी जी जो मोदी जी जो आप लोगों को योजनाएं भेजेंगे वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट योगी जी करेंगे।